रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत, कहा दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा हमारे कपड़ों से अखिलेश को बदबू आती है। जेएनयू में रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने पर बवाल, मेस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नॉनवेज खाने से रोका। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने मेस का वीडियो डालकर लगाया आरोप, हॉस्टल में हुआ झगड़ा। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का ट्रायल टेस्ट हुआ पूरा, ट्विन टावर के 13वें फ्लोर और बेसमेंट में किया गया था ट्रायल ब्लास्ट, 22 मई तक ट्विन टावर पूरी तरह ध्वस्त होगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति आराधना, रामनवमी के मौके पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। गोरखपुर में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। आरोग्य मेले में गरीबों को मुफ्त इलाज और दवा मिलेगी, साथ ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को बड़े अस्पतालों में भेजा जाएगा। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारी, अयोध्या में जय श्री राम के नारों से गूंजा राम दरबार। मथुरा की कृष्ण जन्माष्टमी की तर्ज पर मनेगी रामनवमी, पहली बार श्री राम लला विराजमान मंदिर से लाइव प्रसारण हुआ। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारी हुई, रामलला की पीली पोशाक भी बनकर तैयार हो गई। रामनवमी के मौके पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट की कलाकारी, रेत पर अयोध्या के राम मंदिर का मिनिएचर बनाया। रामनवमी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशभर को दी बधाई, लिखा सभी देशवासियों को रामनवमी की बधाई। पीएम मोदी ने भी रामनवमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, भारी संख्या में पहुंची भीड़, जनता की समस्याओं से हुए रूबरू, सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में मुख्तार की मां की बेनामी संपत्ति कुर्क, करीब 3.5 करोड़ कुर्क जमीन की कीमत। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला, कल गोरखपुर कोर्ट में आरोपी मुर्तजा की पेशी, मुर्तजा की रिमांड कल हो रही है पूरी, रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस, हमले की घटना का होगा रिक्रिएशन। अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अभद्र टिप्पणी का मामला, 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला, सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारी के साथ की अभद्रता, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, पीड़ित महिला को सीएम ऑफिस से 25,000 की आर्थिक मदद मिली। इस साल निजी स्कूल का बढ़ा सकेंगे 9.5% तक फीस, राज्य सरकार की तरफ से दी गई फीस बढ़ाने की अनुमति। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल आदेश में शामिल, 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा आधार। देशभर में आज मनाई रामनवमी, मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता, रामनवमी के दिन भक्त कर रहे हैं मां सिद्धात्री की पूजा। वाराणसी में मां सिद्धात्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं हजारों भक्त, नवरात्र के 9वें दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। चैत्र नवरात्रि पर रामनवमी के मौके पर देवी मां के मंदिर में हवन पूजन, सुबह से ही भक्तगणों का तांता लगा। भक्त मथुरा में नवरात्रि के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां की भक्ति में डूबे भक्त। गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी महंत प्रेमदास को श्रद्धांजलि। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में मुर्तजा के परिवार वालों से होगी पूछताछ, चाचा समेत तमाम रिश्तेदारों से होगा सवाल जवाब। एटीएस ने आतंकी मुर्तजा अब्बासी के रिश्तेदारों को भेजा नोटिस, मुर्तजा के पिता से पहले ही हो चुकी है पूछताछ। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस पर निकाली गई भगवा यात्रा, बुलडोजर लेकर यात्रा में शामिल हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में भी रामनवमी की धूम, मनाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव। जालौन में रामनवमी के अवसर पर भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, कोंच और उरई में डीजे के गानों पर नाचते नजर आए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता। रामनवमी के अवसर पर कानपुर में भी निकाली गई शोभा यात्रा, बुलडोजर लेकर यात्रा में शामिल हुए लोग, रावतपुर के रामलीला मंदिर में भक्तों की दिखी भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन पीलीभीत के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, खास तरीके से मनाए गए हैं पकवान, लोगों ने की मां सिद्धात्री की पूजा अर्चना। सहारनपुर में रामनवमी के अवसर पर 101 कन्याओं का लायंस क्लब नेशनल ने किया पूजन, पूजा के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। वाराणसी में धूमधाम से बीता चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन, रामनवमी के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी ने शहर में निकाली श्रीराम शोभा यात्रा।
कानपुर के बंगाली मोहाली के काली माता मंदिर में भी मनाया गया रामनवमी का पर्व। भारी संख्या में दर्शन करने पहुंचे भक्त। झांसी के शीतला माता मंदिर में रामनवमी पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने करने अतिथि इस मंदिर में दर्शन। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना। झांसी में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राम भक्त। हिंदू समन्वय मंच की ओर से शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। मनी ट्रांसफर की दुकान में लूट के आरोपी बदमाश। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। गोंडा में एनकाउंटर के दौरान गौ तस्कर हुआ घायल। 25,000 के इनामी सलीम को जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। थाना नवाबगंज पुलिस ने की कार्रवाई। आगरा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। रायबरेली में जिला प्रशासन ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने गाजीबाजी के साथ शराब माफिया की 2,89,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया। मऊ में युवक पर चचेरी बहन की हत्या कर नदी किनारे शव फेंकने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने का मामला। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय हुआ गिरफ्तार। बैंक मैनेजर सहित 4 लोग पहले से ही हो चुके हैं गिरफ्तार। संभल में नशे में धुत युवक का अवैध तमंचे से फायरिंग करते वीडियो वायरल। पुलिस मामले की तलाश में। बागपत के बड़ौत में 10वीं की परीक्षा के दौरान पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बरेली में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। उन्नाव में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। मौके पर किशोर की मौत। भुवनेश्वर सरोसी मार्ग पर गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। उन्नाव ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। गुस्साए परिजनों ने मार्ग पर जाम लगाया। लखीमपुर खीरी में पुलिस की बड़ी छापेमारी। 60 लीटर कच्ची शराब बरामद। शराब बनाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। जालौन में अज्ञात वजहों से खेतों में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण गर्मी के बीच कानपुर में लगी आग। गेहूं के खेत में लगी आग। 2 बीघा फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज नकलगंग धाम आश्रम के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम धामी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में करीब 450 साल पुराने रामशिला मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भक्तों का तांता लगा। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। उन्नाव में रामनवमी के अवसर पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रथ में राम दरबार के साथ भगवान कृष्ण के विराजमान थे। जितना जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यूपी के बदमाशों पर उत्तराखंड में शिकंजा। उधम सिंह नगर में पुलिस ने असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया। रामपुर का रहने वाला है असलाह तस्कर। उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। करण महरा बने हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। यशपाल आर्य बने नेता प्रतिपक्ष। भुवन कापड़ी डेप्यूटी लीडर बना। रामनवमी के मौके पर सीएम धामी ने अपनी पत्नी संग किया कन्या पूजन। सीएम धामी कन्याओं के साथ बैठे। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के मंदिर में चोरी की आशंका। टूटे मिले कपाट और धर्मशाला के दरवाजे। मंदिर में जांच जारी। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू। 11 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज से प्राइवेट केंद्र पर बूस्टर डोज लगने शुरू। बूस्टर डोज लगवा सकेंगे 18 प्लस। सरकार ने दी है 18 प्लस को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सोमवार को करेंगे बात। अर्थव्यवस्था के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव।
यूक्रेन संकट के बीच 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दौरे पर व्हाइट हाउस ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा पर अमित शाह के बयान को अधीर रंजन चौधरी ने बताया सांस्कृतिक आतंकवाद, बोले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे ओरछा के राम के दर्शन, रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुधाधारी मठ के करेंगे दर्शन। जांजगीर चांपा जिले में रामायण सेंटर और माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। पाकिस्तान में गिरी इमरान खान की सरकार, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव, हारे इमरान खान। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट, नए स्पीकर अयाज सादिक ने पूरी करवाई वोटिंग प्रक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी बहुमत मिला तो विपक्षी नेता सदन में खुशी से झूम उठे, विपक्षी नेताओं ने जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दी। अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का जोरदार स्वागत, समर्थकों ने बिलावल भुट्टो के समर्थन में जमकर नारे लगाए। अविश्वास के कारण पद से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने इमरान खान, संसद में इमरान खान को मिली करारी हार। पाकिस्तान में इमरान खान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास, अपना सामान लेकर बनिगाला घर में शिफ्ट हुए। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पीटीआई सांसदों ने नेशनल असेंबली से किया वॉकआउट, वोटिंग प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शाहबाज शरीफ का बयान, कहा पाकिस्तान में आज नई सुबह की शुरुआत, आवाम की दुआ आज कबूल। शाहबाज शरीफ ने कहा कि हम नहीं करेंगे बदले की राजनीति, हम किसी को नहीं भिजवाएंगे जेल, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। पाकिस्तान की संसद में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज हमने इतिहास बनाया है, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, आवाम को बधाई देता है। पीएमएलएन नेता मरियम नवाज का बयान, कहा पाकिस्तान के इतिहास का काला दौर खत्म हुआ। आज दोपहर पीएम पद के लिए नामांकन दाखिल किया शहबाज शरीफ ने, कल पीएम पद की शपथ लेंगे शाहबाज शरीफ। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोले शाहबाज शरीफ, कौम के दुखों और दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं। लंदन से जल्द पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं नवाज। सरकार गिरने के बाद इमरान ने बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग, आगे की रणनीति पर चर्चा। सत्ता से बेदखल होते ही इमरान खान की करीबी नेता के घर छापा, अरसलान खालिद के घर छापेमारी। पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी के भी देश छोड़ने पर फिलहाल रोक, किसी भी सरकारी कर्मचारी के देश छोड़ने पर पाबंदी लगी। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, सफेद चादर तान कर सोते दिख रहे हैं इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी बहुमत मिला तो विपक्षी नेता सदन में खुशी से झूम उठे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 46वां दिन, यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने की बमबारी, रिहायशी इमारतों को पहुंचाया भारी नुकसान। जंग के बीच खार्किव के बाहरी इलाकों में रूसी टैंकों की तैनाती, कीव से खार्किव की ओर भेजे जा रहे हैं टैंक। रूसी हमलों के बीच कीव पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ बातचीत के लिए अब भी तैयार। वीडियो में शख्स प्यासे पक्षी को पानी पिलाता नजर आया, पक्षी भी बड़े चाव से पानी पी रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मानवता की अनोखी मिसाल पेश कर रहा युवक, अपना पैर खो चुकी हाथी के लिए युवक ने बनवाए नकली पैर। बीएसएफ जवानों का हैरतअंगेज कारनामा, 2 मिनट के अंदर अलग कर दिए जीप के सभी पुर्जे, वीडियो देखकर हैरान हो गए।
सिर पर बाइक लेकर बस के ऊपर चढ़ रहा युवक, बस के ऊपर बाइक रखने का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। भारी वजन उठाना महिला को पड़ा महंगा, जमीन पर गिरकर घायल हुई महिला। रोंगटे खड़े कर देने वाला जोखिम भरा स्टंट, खड़ी पहाड़ी से नीचे की तरफ साइकिलिंग कर रहा युवक। करीना कपूर ने ब्लैक ड्रेस पहन सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, करीना कपूर का ये लुक यूनाइटेड नेशंस यंग चेंज मेकर्स कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के दौरान दिखा। आलिया भट्ट अपनी शादी पर पहनेंगे सब्यसाची का लहंगा, वेडिंग के लिए कटरीना दीपिका की राह पर चले रणबीर कपूर की दुल्हनिया। आलिया के लिए लकी है साउथ अफ्रीका, हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाएगा कपूर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का मुंबई के ताज पैलेस में ग्रैंड रिसेप्शन, डेट आई सामने, 17 अप्रैल को ताज पैलेस में होगा रिसेप्शन।